हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से जुड़ा हुआ एक जो थ्योरम है, सिचवार्ज लेम्मा, इस थ्योरम का हम प्रूफ सीखेंगे इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पर वीडियो को स्किप कर देंगे तो एंड ऑफ द वीडियो में आपको थ्योरम समझ में नहीं आएगी। तो आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो को बिना स्किप किए ही देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं सिचवार्ज लेम्मा की, इसके कहते क्या हैं। कह रहे हैं इफ़ फंक्शन जेड इज़ एनालिटिक, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है इन ए डोमेन डी में, किसी डोमेन डी में, डिफाइन बाय मॉडुलस जेड इज़ लेस देन कैपिटल आर एंड सेटिस्फाइज द कंडीशंस, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है वो एक फंक्शन जेड का जो मॉडुलस है वो लेस देन एम है, ठीक है, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी, ये जो जेड बिलोंग करेगा उस डोमेन में बिलोंग करेगा। और क्या दे रखा है कि जो फंक्शन जीरो की वैल्यू है वो जीरो की इक्वल है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि देन फंक्शन जेड का जो मॉडुलस होगा वो ऑलवेज एम अपॉन आर से छोटा या फिर उसके इक्वल होगा, और इनटू में यहाँ पर मॉडुलस जेड भी है, ओके। और हमें ये इसके साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है ऑल्सो इफ़ द इक्वालिटी अक्योर्स फॉर एनी जेड, अगर वो इक्वालिटी अक्योर्स करती है किसी जेड के लिए देन हमें ये प्रूफ करना है कि जो फंक्शन जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, एम अपॉन आर इंटू जेड ए की पावर आई अल्फ़ा, और यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो एक रियल कांस्टेंट होती है या होगी, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसे हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ बड़ा आसान भी है अगर आप इसे ध्यान से देखते रहेंगे। तो सबसे हम लेट करते हैं कि जो हमारा सी है, ठीक है, उसे हम एक सर्कल लेट कर लेते हैं, लेट सी बी एल सर्कल, जो जेड प्लेन पे जो सर्कल है वो है मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आर, और ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा है, ठीक। अब हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, सिंस फंक्शन जेड इज एनालिटिक विद इन एंड अपॉन द सर्कल सी, ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बोला है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ थ्योरम के स्टेटमेंट बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर वी कैन एक्सपेंड फंक्शन जेड बाय टेलर सीरीज, क्योंकि ये एनालिटिक है तो हम उस फंक्शन को टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं एट एनी पॉइंट जेड विद इन सी। तो वो फंक्शन जेड क्या हो जाएगा टेलर की एक्सपेंशन जब हम करेंगे, तो वो होती है समेशन जीरो टू इन्फाइनाइट ए एन जेड की पावर एन, यानी कि आप इस एक्सपेंशन करेंगे तो इस रूप में आएगा ए ज़ीरो प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ओके। अब हमें ये दे रखा है स्टेटमेंट में कि जो फंक्शन जीरो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ये दे रखा है स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड के प्लेस पे आपका ज़ीरो है, क्योंकि फंक्शन जेड इक्वल टू जीरो है ना, यानी जेड पॉइंट पे आपका क्या हुआ है, फंक्शन जीरो है, एट जेड इक्वल टू जीरो फंक्शन जेड इक्वल टू जीरो, ये हो रहा है हमारा मतलब, यानी कि अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में ये चीज़ पुट करेंगे, एफ ज़ीरो इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो ये जहाँ जहाँ जेड है सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ क्या, एफ ज़ीरो इक्वल टू में क्या दे देगा ए ज़ीरो, तो वो हमसे ए ज़ीरो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ज़ीरो। अब हमें क्या करना है कि ये जो ए ज़ीरो आई है इसकी वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देना है, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में जब पुटअप करेंगे तो ए ज़ीरो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज ए ज़ीरो की वैल्यू क्या आई है, ज़ीरो आई है, तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका जो फंक्शन जेड हो जाएगा वो होगा ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए इस राइट हैंड साइड में आपका जेड क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन, तो हम ले लेंगे जेड कॉमन और ये मल्टीपल में जेड होगा और इधर आके क्या हो जाएगा वो अपॉन में, यानी कि एफ जेड, ये स्मॉल एफ जेड है फंक्शन में, आप ध्यान रखिएगा स्मॉल एफ जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू जेड प्लस ए क्यूब जेड स्क्वायर, इस रूप से चलता रहेगा फंक्शन। अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम नया नाम दे देते हैं कैपिटल एफ जेड, ठीक है, कैपिटल एफ जेड इक्वल्स टू दिस है, अगर बात की जाए यानी कि हमारे पास जो मेनली फंक्शन आ रहा है कैपिटल एफ जेड किसके बराबर आ रहा है, स्मॉल एफ जेड अपॉन जेड, ठीक। देखिए ये फंक्शन एनालिटिक किस पॉइंट में नहीं हो सकता, अगर मैं जेड के बेस पर ज़ीरो रख दूँ, क्योंकि किसी के अपॉन में ज़ीरो होता है तो वो डिफाइन नहीं होता, तो यानी कि इस पॉइंट की जो सिंगुलरिटी है वो किस किस पर है, जेड इक्वल टू ज़ीरो पर है,
कि जो कैपिटल फंक्शन जेड की जो सिंगुलरिटी है वो जेड इसका जीरो पर है, विच कैन बी रिमूव्ड, इसको हम हटा सकते हैं इफ़ वी डिफाइन फंक्शन जेड इसका टू ए वन, है ना। अगर फंक्शन जेड के स्थान में हम ए वन रख देते हैं फॉर जेड इसका जीरो, तो इसको हम हटा सकते हैं और फिर हमारा एफ जीरो क्या दे देगा, ए वन दे देगा। इस रूप में इसको हम हटा सकते हैं। कैसे, देखिए मैं इस चीज़ का सेंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर जेड के प्लस पे आप जीरो रख देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ ए वन, तो फंक्शन जेड अब किसके बराबर आ जाएगा, ए वन के बराबर आ जाएगा और ये कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिक ज़रूर होती हैं। सो द फंक्शन एफ जेड इज़ एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी, ये बात हो गई। अब हम आगे आते हैं। अब ये एनालिटिक हो गई तो हम इसमें एक जो थ्योरम होती है मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, उस थ्योरम का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने हालांकि ये थ्योरम अपने अभी तक बताया नहीं है, आने वाले वीडियोस में मैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता दूंगा, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, सो बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कह देंगे कि जो फंक्शन जेड का जो मॉडुलस होता है वो अटेम्प्ट्स करता है मैक्सिमम वैल्यू एट सम पॉइंट जेड इक्वल्स टू ए ऑन सी, ठीक है, ऑन सी पे करेगा लेकिन विद इन सी पे नहीं करता है। ये होती है आपके मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ठीक है, इसी का हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन जेड है इज इक्वल्स टू फंक्शन जेड अपॉन जेड, तो जेड के प्लेस पे हम क्या चेक कर रहे हैं, किसी पॉइंट ए पर, तो हम रख देंगे यहाँ पर मॉडुलस ले लेंगे ना, तो दोनों तरफ मॉडुलस मिलेंगे और जेड के प्लेस पे क्या रख देंगे, ए। और ये किस चीज़ की होगी इक्वल, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जेड इसके, और जेड के प्लेस पे हमने क्या रखा है, ए रखा है, यानी ये किसके इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जेड अपॉन जेड। और फंक्शन जेड अपॉन जेड की वैल्यू क्वेश्चन या फिर थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या दे रखी है, लेस देन एम, ये दे रखी है ना, इसका हम यूज़ कर देंगे। और जेड के प्लेस पे हमें क्या रखना है, आर, ये रख दिया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अगर हम ये बोलें कि अगर ये जो जेड है वो लाइक करता है इनसाइड सी में, सी के अंदर अगर लाइक करता है तो क्या होगा, तो देखिए फंक्शन जेड का जो मॉडुलस होगा वो सिर्फ इस साइन के अंदर फिर बात होगी, लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जेड, ओके। तो फंक्शन ये कैपिटल फंक्शन जेड है, आप ये ध्यान रखिएगा, इसका मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ। कैपिटल फंक्शन जेड की वैल्यू क्या है, स्मॉल फंक्शन जेड अपॉन जेड, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, एम अपॉन आर, यह हमने रख दिया। अब आप जानते हैं मॉडुलस ए अपॉन बी क्या होता है, मॉडुलस ए अपॉन मॉडुलस बी, इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन जेड अपॉन मॉडुलस जेड लेस देन एम अपॉन आर हो जाएगा, ये अपॉन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि हमने क्या किया, मॉडुलस जेड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इधर से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मॉडुलस जेड आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। देखिए ये इनइक्वालिटी अभी प्रॉपर रूप से होल्ड नहीं हो रही है, ये इनइक्वालिटी तभी प्रॉपर रूप से होल्ड हो पाएगी क्योंकि इसमें बोला है कि जो हमारा स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से स्मॉल होनी चाहिए, तो ये इनइक्वालिटी तभी होल्ड हो पाएगी जब इस ये जो स्मॉल आर है वो छोटी होगी कैपिटल आर से, यानी कि इस आर को टेंस करवाना होगा मुझे किसकी ओर, कैपिटल आर की ओर, तो वही मैं कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, स्मॉल आर की प्लेस पर मैंने क्या रख दिया है, कैपिटल आर यहाँ पर, ठीक है, टेंस करवा दिए हैं फॉर एवरी जेड सच दैट ये जो मॉडुलस जेड होगा वो आर से छोटा होगा जेड प्लेन पर। तो यही तो हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, तो हमने इजीली इसे प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ये बोला था कि जब ऑल्सो, ये प्रूफ करने के बाद आपको क्या बताना था, ऑल्सो इफ द इक्वलिटी अक्योर्स देन एनी जेड, तो फंक्शन जेड को हमें इस रूप में प्रूफ करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी उसका हम यूज़ करेंगे किसी पॉइंट ए के लिए, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, ये देखिए, ये थी ना, मॉडुलस फंक्शन जेड अपॉन जेड लेस देन एम अपॉन आर, तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो मॉडुलस जेड यहाँ इन टू में आ जाना है, ये वाला है ना, जैसा भी देखा था हमने, हम किसी पॉइंट ए के लिए बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस एफ ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू एम अपॉन आर मॉड ए, क्यों मॉड ए होगा, और मॉडुलस ए को जब हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, ए एक ही पावर आई लैम्डा, है ना। कैसे आता है, जैसे आपको पता है ना, मॉडुलस जेड इक्वल्स टू जब आप क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, तो जेड इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर माइनस ए होता है ना,
या ए की जगह पे जीरो है, तो ए प्लस आर ए की पावर आई थीटा होता है, उस रूप से यहाँ पर आया है मॉडुलस ए के प्लस पर ए की पावर आई लैम्डा। अब हम यहाँ पर रख देंगे मॉडुलस ए की प्लस पर ए की पावर आई लैम्डा रख दिया, ठीक। फिर क्या करना है, तो देखिए अगर किसी पॉइंट जेड के लिए बात करेंगे तो ए की प्लस पर आप क्या रख दीजिए, जेड रख दीजिए। तो मेनली हमारा जो फंक्शन जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन आर जेड की पावर आई अल्फ़ा। तो वेयर जेड क्या है, लाइज ऑन सी एंड अल्फा इज़ अ रियल कॉन्स्टेंट, ये आपको बताना ज़रूरी होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप ये थ्योरम आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और हमें आपका सपोर्ट।